ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरे पास एक कमेंट्स आ रही थी कि गुरुजी हमें कुलदेवी के विषय में बताइए कि कुलदेवी कौन सी होती है, कुलदेवी कौन होती है और इसका क्या महत्व होता है, क्यों इसकी पूजा करनी चाहिए और हमारे पितृ जो होते हैं पितृ देवता, पितरों के साथ में इसका क्या संबंध होता है। तो ये कमेंट्स मेरे पास कितनी बार आ चुकी है, आज मैं आपको इसी के विषय में बता रहा हूँ कि कुलदेवी होती कौन है और पितरों के साथ इसका क्या संबंध होता है। वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। देखो प्रत्येक परिवारों में इसका अपना एक विशेष महत्व होता है और ये सभी को जानना आवश्यक होता है कि भाई कुलदेवी होती कौन है और पितरों के साथ क्या संबंध होता है। क्योंकि कोई भी सिद्धि साधना करें, कोई भी कारोबार करें, तो कुलदेवी यदि आपकी प्रसन्न नहीं है तो आप किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जाए, चाहे आप साल में कितनी बार भी जाते हैं, तो वह जाना आपका किसी काम का नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपको अपनी कुलदेवी का नहीं पता होगा। जब आप अपनी कुलदेवी को नहीं मनाएंगे, जब तक आप अपनी कुलदेवी को नहीं पूजेंगे, तब तक आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर कहीं पर भी नाक रगड़ ले, कहीं भी कुछ भी कर ले जाके, कोई आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। कुलदेवी वो होती है जिसको हमारे पूर्वजों ने काफी समय पहले पूज कर उसको मना कर उसको प्रसन्न करके वरदान लिया हुआ था कि आप हमारे कुल का आप हमेशा ध्यान रखेंगी, मेरे परिवार का हमेशा ध्यान रखेंगी, मेरे परिवार को कोई समस्या दुख तकलीफ आएगी तो आप हमेशा मेरे परिवार की रक्षा करेंगे और मेरे परिवार में आपकी पूजा निरंतर हमेशा होती रहेगी। वह देवी भी हो सकती है, वह कुल देवता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कुल देवी हो, कुल देवता भी हो सकता है। तो उनको वरदान होता है। पहले आपने काफी समय पहले पुराने घरों में आपने देखा होगा कि जो कच्चे घर हुआ करते थे, उन घरों के दरवाजों के दोनों साइड में एक आला टाइप छोड़ा करते थे, एक आला छोड़ा करते थे, आप फोटो में देख सकते हैं। तो ये जो आला छोड़ देते थे, इसका पर्पज ये होता था, इसमें उस समय दीपक जलाया करते थे। पहले समय में दीपक जलाया करता, फिर लोगों ने डिब्बी जलानी शुरू कर दी मिट्टी तेल की, तो ग्रेसलीन की, तो पहले वहां दीपक जलाया करता। तो वो जो दीपक जलता था वह इस कुलदेवी के नाम का हुआ करता था। दरवाजे के दाएं बाएं जो आले छोड़े जाते थे वो कुलदेवी के नाम के हुआ करते थे। बहुत ही कम व्यक्ति को इन चीजों का पता है। और गाँव में आज भी एक चीज है जो आप समझोगे, आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, माता मदनन के स्थान पर जाते हैं, ये कहीं पर पूजा करने जाते हैं, तो वहां पर जो जल चढ़ाते हैं उसको थोड़ा सा बचा कर लाते हैं। गांव की स्त्रियां इस बात को समझ जाएंगे, आपको नहीं पता है तो आप पूछना। तो वो जल बचा कर लाते हैं, वो गांव में घर आकर जो घर का जो दहलीज होती है, जो दहलीज के दोनों साइड होती है, दाएं बाएं दरवाजे के दाएं बाएं साइड होती है, उन पर जल डालती हैं, उसको सींचती हैं, थोड़ा थोड़ा जल डालती हैं। वो क्यों डालती हैं, आपने कभी सोचा इस विषय में? वो इसीलिए डाला जाता है क्योंकि घर की दहलीज पर कुलदेवी का वास होता है। जो घर की दहलीज होती है उस पे कुल देवी का वास होता है, इसीलिए घर की महिलाओं को यह बताया गया है कि घर की दहलीज पर कभी नहीं बैठना चाहिए। जो मेन गेट की दहलीज होती है वहां भूल कर भी स्त्री को नहीं बैठना चाहिए दहलीज पर, पुरुष को भी नहीं बैठना चाहिए दहलीज पर, नहीं बैठे अंदर बैठे या बाहर बैठे, क्योंकि दहलीज होती है वो कुल देवी की होती है। कुल देवी का घर में यदि पहरा रहता है तो बाहर की कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि दहलीज पर कुल देवी का पहरा होता है। और यदि आपकी कुलदेवी रुष्ट है, आपसे प्रसन्न ही नहीं है, फिर तो भाई कोई भी आ जाए। अब आज सवाल आता है कि इनका पूर्वजों के साथ क्या संबंध होता है। देखिए हमारे जो पूर्वज थे वो पूर्वज कौन थे, हमारे लिहाजा हमारे माता पिता के माता पिता या उनके माता पिता वही हमारे पूर्वज रहे। तो हमारे पूर्वजों ने भी उस कुलदेवी को पूजा, उस कुलदेवी का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, तो लिहाजा जब उन्होंने किया तो हम उनको भी पूजते हैं और कुलदेवी को भी पूजते हैं, दोनों को साथ चलते हैं। पूर्वज हमारे हैं, हम उनको पूजना हमारा स्वाभाविक कर्म है, उनको हम पूजेंगे और कुलदेवी को भी पूजेंगे। तो उनका संबंध उनके साथ वैसा ही है जैसा हमारा हमारे कुलदेवी के साथ में, ऐसे ही उनका संबंध भी कुलदेवी के साथ में रहा। वो हमारे बड़े थे, वो भी कुलदेवी को पूजते आए, हम भी उनको उसी प्रकार पूज रहे हैं। तो कुलदेवी का ये घर में महत्व होता है, कुल पूजा में कुलदेवी का विशेष रूप से महत्व होता है। तो कुलदेवी का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और उसको पूजन करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि कुलदेवी जिन लोगों को नहीं पता है कौन सी है, किस प्रकार कौन सी होती है हमारी कुलदेवी या देवता कौन सा होता है, उसका कैसे पता करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वो मैं बता दूंगा, आप देख लेना। सभी भक्तों को जय श्री राम।